मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार ने गत दिवस सोलन जिला के दून विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पट्टा महलोग में दो दिवसीय मेले के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सड़कें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक गाँव को पक्की सड़क से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि पट्टा बरोटी वाला बनलगी सड़क के विस्तारीकरण के लिए केंद्र सड़क निधि द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि धौलर माजरी गांव में पुल के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि ग्राम पंचायत पट्टा बाड़िया से ग्राम पंचायत दाड़वा सड़क पर खड पुल के लिए 35 लाख रुपए की पहली किश्त जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस पुल को एक साल की समयावधि में तैयार कर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सड़क के पास होने के बाद जनता की सुविधा के लिए एक बस भी चलाई जाएगी, जिससे स्थानीय निवासियों को आवाजाही में सुगमता होगी। उन्होंने कहा कि सड़क के बनने से आसपास के लगभग 20 से 25 गांवों को लाभ मिलेगा। राम कुमार ने इस अवसर पर दंगल का शुभारंभ भी किया। उन्होंने मेला समिति को अपनी ऐच्छिक निधि से 25,000 रुपये देने की भी घोषणा की। आज पट्टा जो हमारी पुरानी रियासत है पट्टा महलोक के नाम से, यहाँ बड़ा पुराना कुश्ती दंगल दो होते थे, यहाँ इस बार एक करवाया कि दो के दंगल नहीं करने, तो सभी मिलके इस काम को करें। और आज मुझे यहाँ इन्होंने बुलाया, इनका धन्यवाद मेला कमेटी का। तो मेला कमेटी को 25,000 रुपये मैं अपनी ऐच्छिक निधि से दूंगा और 35 लाख रुपये एक साथ में खरली पंजली खरली नदी पड़ती है उसके लिए मैं अभी अनाउंस करूंगा, उसका प्रावधान मैं कर रहा हूं, ताकि ये हमारा 14-15 किलोमीटर का पैच है यहां से दाड़वा तक, इस रोड को हम शीघ्र ही पास करवा के पुल लगा के और इस पर बस चलाने वाले हैं। और कि अन्य योजनाएं जो हैं लगभग 1,75,00,000 रुपये अभी मैंने जारी किए हैं माइनिंग फंड से। एरिया में कई जगह टैंक बनने थे, मोटर्स खराब थी वो चेंज होनी थी, और पट्टा ब्रुटी वाला बनलगी रोड को चौड़ा करने के लिए सेंट्रल रोड फंड से भी डीपीआर तैयार करवा रहा हूँ, ताकि हमारा बनलगी का औद्योगिक क्षेत्र बसे। और अभी आज मैंने दो अन्य योजनाओं का मैंने शुरुआत किया, शुभारंभ किया, जिसमें धौलर माजरी गांव के लिए एक पुल लगना था जिसका 25 लाख की राशि मैंने सेंक्शन की है, और सूरजपुर पंचायत के टिपरा गाँव हरिजन बस्ती के लिए पुलिया थी उसमें डंगे और टाइल और अन्य जो वर्क बाकी थे उसको पूरा करने के लिए भी 25 लाख की राशि का प्रावधान किया है, और 2 लाख रुपये वहाँ हमने शमशान घाट के लिए दिए। और इस पंचायत में भी प्रधान जी हमारे यहाँ खड़े हैं, तो इनके मुताबिक जब ये बुलाएंगे, अभी अभिनंदन समारोह इन्होंने रखना है, तो जो बाकी डिमांड्स होंगी उसमें मैं पूरी करूँगा। धन्यवाद। हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए नलगढ़ से सुंदर सिंह की रिपोर्ट।